हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वॉचिंग परफ्यूम बीस्ट। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 5 डेली वेयर परफ्यूम्स, जिनको आप कैजुअल वेयर परफ्यूम्स भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को बहुत ही सोच समझ कर बनाया है और जो मैंने परफ्यूम्स इसके अंदर चूज किए हैं वो भी बहुत सोच समझ कर चूज किए हैं ताकि वो आपकी पॉकेट पर भी बहुत ज्यादा भारी ना पड़े और आप उन परफ्यूम्स को बिंदास यूज कर सकें। वो क्या है ना, हम इंडियंस की आदत होती है कि हम परफ्यूम्स को बहुत ही कुछ स्पेशल ओकेजंस के लिए बचा के रखते हैं और कहीं ना कहीं मैं इस सोच के साथ सहमत हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो परफ्यूम्स हैं वो बहुत महंगे आते हैं, पर जो ये परफ्यूम्स हैं वो आप बिंदास बिना किसी टेंशन के डेली वेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि जो अपना दिन है उस दिन की शुरुआत एक मोटिवेशन के साथ होनी चाहिए, एक किक स्टार्ट के साथ होनी चाहिए। और ये परफ्यूम्स, जितने भी ये परफ्यूम्स मैं अभी आपको बताऊंगा, ये सब हमें बहुत अच्छे तरीके की एक मोटिवेशन देते हैं। वो कैसे हमें वो मोटिवेट करते हैं, देखते रहिए वीडियो के अंत तक। और दोस्तों, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो का कोई भी सेक्शन मिस मत कीजिएगा, बिकॉज इस वीडियो के थ्रू आउट प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने इन सब फ्रेग्रेंसेस और परफ्यूम्स के प्राइजेस भी मेंशन किए हुए हैं। एंड वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली सो दैट यू शुड नॉट मिस ऑन द प्राइजेस ऑफ दीज फ्रेग्रेंसेस। तो फ्रेंड्स, आपने तो सुना ही होगा कि हर अच्छे काम की शुरुआत मीठे से होनी चाहिए, पर मेरा ये मानना है कि हर दिन की शुरुआत मीठे से होनी चाहिए। तो जो ये परफ्यूम्स है ये सब बहुत ही स्वीट, रिफ्रेशिंग और बहुत ही एनर्जेटिक परफ्यूम्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे नंबर 5 के स्लॉट से, और नंबर 5 के स्लॉट पर आता है CK1। तो फ्रेंड्स, मैं इस परफ्यूम की बात कर रहा हूं। दिस इज CK1। दिस इज अ वेरी ओल्ड क्लासिक एरोमेटिक फ्रेग्रेंस जो कि लॉन्च हुआ था 1994 में। दोस्तों, इस परफ्यूम के साथ बहुत सारी लॉयल्टी अटैच है, बिकॉज एक तो बहुत पुराना फ्रेग्रेंस है एंड इट इज लाइक बाय लॉट ऑफ पीपल, और जो इसको एक बार यूज कर लेता है या खरीद लेता है वो इसके साथ जिंदगी भर जुड़ा रहता है। एंड इट इज सच अ लाइट, रिफ्रेशिंग एंड समरी काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस दैट यू कैन यूज इट ऑन द डेली बेसिस। ओवरऑल इट्स अ वेरी स्वीट फ्रेग्रेंस विद लॉट्स ऑफ फ्रूट्स इन इट, लाइक बर्गमो, पाइनएप्पल, लेमन एंड ऑरेंज। और जो इसकी ओपनिंग है वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग है, और थोड़ा सा ड्राई डाउन होने के बाद ये पाउडरी टाइप से स्मेल करता है, जस्ट लाइक टैल्कम। दोस्तों, जब परफ्यूम्स नहीं होते थे या परफ्यूम्स लोग कम यूज करते थे, तब टैल्कम पाउडर का बहुत ज्यादा चलन था। उस टाइम पे होता क्या था, लोग जैसे ही नहा के निकलते थे या शॉवर से निकलते थे, वो आते ही टैल्कम पाउडर लगाते थे, और टैल्क लगाने के बाद एकदम से बहुत ज्यादा आपको फ्रेश फील होता था, और कहीं ना कहीं वो टैल्क की जो खुशबू है वो 2-3 घंटे आपके साथ रहती थी। इन द सेम वे दिस परफ्यूम स्टेज विद यू फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड इट मेक्स यू फील फ्रेश एंड वेरी एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। तो दोस्तों, अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट अ लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू शेयर आर वीडियोज ऑल्सो। तो दोस्तों, नंबर 4 स्लॉट के ऊपर आती है फ्रॉम द हाउस ऑफ CK अगेन, दिस इज CK Gold। दोस्तों, जो ये फ्रेग्रेंस है ये 2016 में लॉन्च हुआ था, लेकिन ये बहुत ही क्लीन, सिंपल और बहुत ही एलिगेंट टाइप्स ऑफ परफ्यूम है। ये इतना ज्यादा क्लीन है, लाइक देयर इज नॉट मच कॉम्प्लेक्सिटी टू इट्स नोट्स, बिकॉज जैसा ये परफ्यूम पहले इंप्रेशन पे स्मेल करता है वैसा ही ये ड्राई डाउन होने के बाद थ्रू आउट द जर्नी ऑफ दिस परफ्यूम ये वैसा ही स्मेल करता है। लाइक इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, बिकॉज इसके अंदर भी जो टॉप नोट है वो बहुत ज्यादा स्वीट, बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है जस्ट बिकॉज ऑफ बर्गमो। और जो इसका टॉप नोट है उसके अंदर एक और अच्छी चीज जो कंपनी ने एक्सपेरिमेंट किया है एक फ्रूट के साथ, विच इज कॉल्ड फिग, अंजीर। जो अंजीर है आपको पता है कि इट्स अ वेरी स्वीट काइंड ऑफ अ फ्रूट एंड इट इज अ वेरी एडिक्टिव काइंड ऑफ अ फ्रूट कि आपको लगता है ये आप खाते जाए। इन द सेम वे दिस फ्रेग्रेंस इज वेरी एडिक्टिव जब आप इसे लगाते हैं, लाइक मैं जब इसको स्मेल करता हूँ इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब एक एरोमा है इस फ्रेग्रेंस का जो फर्स्ट इंप्रेशन देता है फ्रेग्रेंस को, बहुत ही अच्छा एक इसका फर्स्ट इंप्रेशन है एंड यू फील लाइक स्मेलिंग इट थ्रू आउट होल डे। और जो इस फ्रेग्रेंस की जर्नी है वो बहुत ज्यादा शार्प या स्पाइसी नहीं है, इट इज वेरी सटल एंड वेरी प्लेजेंट काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, अ वेरी गुड
डेली कैजुअल फ्रेग्रेंस, बिकॉज अगर फ्रेग्रेंस या परफ्यूम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो मे बी इट इज अ टेंडेंसी दैट इट कैन गो हैवी ऑन योर हेड थ्रू आउट द डे. अगर आप उसको स्मेल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सर भारी होने लग जाता है. लेकिन ये जो फ्रेग्रेंस है ये वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा और ये थोड़ी सोपी काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस है और बहुत ज्यादा फ्रेश फील करवाती है. उसका रीजन क्या है कि जब भी हम शॉवर लेके बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बदन से हमारे शरीर से वो सोप की खुशबू आती रहती है. हालांकि सोप की खुशबू ज्यादा देर तक लास्ट नहीं करती है, बट दिस हैज अ वेरी सोपी काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस गिविंग ओवरऑल फ्रेशनेस टू द पर्सन. और जो ये फ्रेशनेस है वो थ्रू आउट द डे आपको ये परफ्यूम फील कराता रहता है. अगेन देयर इज अ थिंग दैट दिस फ्रेग्रेंस इज वेरी सिंपल, वेरी क्लीन लुकिंग एंड वेरी क्लीन स्मेलिंग. लेकिन पॉइंट इज दिस कि अगर आपको इस फ्रेग्रेंस को पूरे दिन के लिए लेना है तो आपको अगेन इसका एक टॉपअप जरूरी होगा. So you would be requiring a top up of this fragrance in the middle of the day. Like ये fragrance करीबन 2 से 3 घंटे maximum last करती है. और again मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि जो summer fragrances है वो आप light ही choose कीजिए. There is no harm in doing a top up of the fragrance जो आपकी है, because ये overall very light fragrances होती हैं, बहुत ज़्यादा हल्की fragrances होती हैं, इसलिए जल्दी उड़ भी जाती हैं. तो दोस्तों number 3rd spot के ऊपर आती है from Hugo Boss. This is Boss Bottled. दोस्तों जो ये फ्रेग्रेंस है ये मैंने 200 ml की क्वांटिटी में खरीदा था. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डेली वेयर परफ्यूम्स हैं वो आप प्रेफरेबली बड़ी पैकिंग में ही खरीदिए, बिकॉज वो आपको सस्ती भी पड़ेगी. और सिंस अगर आपको वो यूज करना है डेली बेसिस पे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक अच्छी कलेक्शन में भी ऐड हो सकता है. तो दोस्तों जो ये फ्रेग्रेंस है ये भी बहुत ज्यादा स्वीट टाइप्स ऑफ फ्रेग्रेंस है. जो इसकी ओपनिंग है इट इज ऑल्सो वेरी स्वीट ओपनिंग, बिकॉज इसके अंदर एप्पल और बर्गेमो का यूज हुआ है. और थोड़ा सा ड्राई डाउन होने के बाद ये आपको सैंडलवुड का थोड़ा सा एहसास दिलाएगा, बिकॉज इसके अंदर सैंडलवुड और खस का इस्तेमाल किया गया है. इट इज ओवरऑल अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस फॉर ऑफिस गोइंग एग्जीक्यूटिव, बिकॉज ये एक डेली वेयर परफ्यूम है. और आई थिंक समवेयर परफ्यूम्स ऑल्सो एड टू द हाइजीन फैक्टर. अगर आपने मेरा वो वीडियो ना देखा हुआ हो कि वाई परफ्यूम्स आर इम्पॉर्टेंट, सो आई एम पुटिंग अ कार्ड अबव सो दैट यू कैन चेक कि ये परफ्यूम्स वाई परफ्यूम्स आर इम्पॉर्टेंट एंड वाई वी शुड अप्लाई परफ्यूम्स और वाई शुड वी मेक परफ्यूम्स एज अ हैबिट ऑफ आवर्स. और दोस्तों जो इसकी एक अच्छी बात है पर इस परफ्यूम की वो ये है कि इसके मिडिल नोट के अंदर दे हैव यूज सिनेमन. कहीं ना कहीं वो दालचीनी जो है एक मतलब एक स्पाइस है, रेगुलर स्पाइसेस. बट द थिंग इज दैट कि जो ये सिनेमन है ये बहुत ही ज्यादा आपको एक शार्प टाइप सी फ्रेग्रेंस देता है ड्राई डाउन होने के बाद भी. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं उस फ्रेग्रेंस उस इंग्रेडिएंट ने इस फ्रेग्रेंस को एक ट्विस्ट दिया है कहीं ना कहीं कॉम्पोजिशन के अंदर. उसका रीजन क्या है कि अगर स्पाइसीनेस नहीं होती और बहुत ज्यादा स्वीटनेस होती इस फ्रेग्रेंस के अंदर तो ये थोड़ी सी बोर हो जाती. बट सिंस समवेयर दैट सिनेमन हैज एडेड अ लिटिल बिट ऑफ स्पाइस एंड इंटरेस्ट टू द फ्रेग्रेंस एंड टू द ओवरऑल कॉम्पोजिशन ऑफ द परफ्यूम. And that is what makes it masculine also. और इस perfume की अच्छी बात ये है कि जो मैंने इससे पहले 2 perfumes आपको बताए CK1 and CK Gold, ये उनसे तो थोड़ा सा strong है और थोड़ा सा better चलता है. ये like इसकी lasting उनसे थोड़ी सी better है. So you should consider or you can consider adding this fragrance into your collection for daily wear perfumes. तो दोस्तों number 2nd spot पे आती है Davidoff की The Game. Well friends, this bottle looks like this. आप इसका नाम तो नहीं पढ़ पाएंगे because it is somewhere written here. जो इसका डेविड ऑफ का नाम लिखा हुआ है फ्रेग्रेंस का द गेम. दिस वाज लॉन्च इन 2012. दोस्तों ये एक बहुत ही ज्यादा वुडी और एरोमेटिक फ्रेग्रेंस है. और इस फ्रेग्रेंस की इंटरेस्टिंग बात ये है दैट दिस इज अ लव और हेट फ्रेग्रेंस. या तो आप इसको बहुत ज्यादा प्यार करेंगे या आप इससे बहुत ज्यादा नफरत करेंगे. बिकॉज इस फ्रेग्रेंस के साथ एक नोशन जुड़ा हुआ है वो ये है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है. और सेकेंड नोशन जो है वो ये है कि इट स्मेल्स मोर ऑफ सिंथेटिक देन नेचुरल. पर दोस्तों जो इसका फर्स्ट नोशन है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं कहीं ना कहीं उससे सहमत नहीं हूं, बिकॉज मैंने इसको पर्सनली यूज किया है. और मेरा ये मानना है कि अगर कोई फ्रेग्रेंस आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, आपको लगता है कि आपको आप उसको 1 या 2 घंटों से ज्यादा नहीं उसको झेल पाएंगे या आप यू कैन नॉट विद स्टैंड दैट फ्रेग्रेंस फॉर लाइक मोर देन 2 or 3 hours, तो मेरा ये कहना है कि आप उस फ्रेग्रेंस के कम स्प्रेज यूज कीजिए. जरूरी नहीं है कि आपको 5, 6 या 7 स्प्रेज में ही फ्रेग्रेंस लगानी है या आप हर परफ्यूम की फ्रेग्रेंस. एवरी परफ्यूम हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्मेल अटैच्ड टू इट. लेकिन दिस परफ्यूम हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस विच फील मेक्स यू फील एनर्जेटिक विच कीप्स यू ऑन टोज ड्यूरिंग द डे. तो मेरा ये मानना है कि आप उसके कम स्प्रेज लगा सकते हो अगर आपको बहुत ज्यादा स्मेल स्ट्रॉन्ग लगती है या आप इस स्मेल को ज्यादा देर तक नहीं झेल सकते. सो इफ यू आर फॉन्ड ऑफ वेरी टिपिकल वुडी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस, आई थिंक यू शुड गिव दिस फ्रेग्रेंस अ ट्राई.
और ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके एक या दो स्प्रेस काफी हैं। तो दोस्तों नंबर वन स्पॉट के ऊपर आती है अगेन फ्रॉम डेविडॉफ, दिस इज कॉल्ड डेविडॉफ चैंपियन एनर्जी। दोस्तों दिस फ्रेग्रेंस हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ अ बॉटल बिकॉज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ डंबल, और जो मेरी आज तक बॉडी बनी है वो इस परफ्यूम के कारण ही बनी है। I am just kidding guys, but definitely this fragrance is like very you can say energetic and very citrusy kind of a fragrance जो आपको बहुत ज़्यादा energetic feel कराती है। और दोस्तों कहीं ना कहीं sweet होने के साथ साथ ये आपको तीखा होने का भी एहसास दिलाती है because of the use of spices in it। और इस perfume की खास बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा simple है। और अब आप पूछेंगे कि अगर ये इतना simple है तो इसमें खास क्या है? Friends, इसकी simplicity में ही इसकी uniqueness है। आपने जिंदगी में भी बहुत बार देखा होगा कि कहीं ना कहीं बहुत सारी फ्लैशी गॉडी और फ्लैम्बॉयंट चीजें वो इंप्रेशन नहीं जमा पाती, जहां पे कहीं ना कहीं वो सिंपल और बहुत क्लीन टाइप सी चीजें अब वो इंप्रेशन जमा जाती हैं। एंड दिस फ्रेग्रेंस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस। इसकी सटलनेस में ही कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी है। और जब आप इसको स्प्रे करते हैं थोड़ा ड्राई डाउन होने के बाद ये फ्रेग्रेंस अपना जलवा दिखाती है। और अगर मैं इसको स्प्रे करूं, ये जो फ्रेग्रेंस है लाइक इट्स वेरी वेरी फ्रेश काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, एकदम बहुत अच्छा फील करवाती है आपको। बहुत ज्यादा यू कैन से एग्रेसिव तो नहीं बोलूंगा, बट यस आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करवाती है। आपको लगता है कि यू शुड बी ऑन द टोज, आप जो भी काम आपने हाथ में पकड़ा हुआ आप उसको फटाफट फिनिश करें। और जो ये फ्रेग्रेंस है ड्राई डाउन होने के बाद इट जस्ट स्मेल्स लाइक पैराडाइज। सो गाइज यू शुड गिव दिस फ्रेग्रेंस अ ट्राई। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत अच्छा जो इस परफ्यूम का पार्ट है वो ये है कि ये सारी फ्रेग्रेंसेस से ज्यादा चलता है। इतना स्वीट होने के बावजूद भी ये फ्रेग्रेंस की लास्टिंग उन चारों परफ्यूम से ज्यादा बेटर है। सो आई थिंक बिफोर गोइंग फॉर योर नेक्स्ट परचेज यू शुड गिव दिस फ्रेग्रेंस अ ट्राई। तो दोस्तों बिना किसी झिझक के, हेजिटेशन के, टेंशन के, वरी के आप ये परफ्यूम्स डेली वेयर कर सकते हो बिकॉज ऑल दीज परफ्यूम्स आर वेरी गुड, गुड मूड अपलिफ्टर्स एंड मेक्स यू फील एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा आज का वीडियो जो कि टॉप 5 डेली कैजुअल वेयर परफ्यूम्स के ऊपर बेस्ड था पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और इससे पहले आई टेक योर लीव, आई जस्ट वॉन्ट टू से स्टे होम, स्टे सेफ, टिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।